अगली खबर आ रही है उज्जैन से, जहां पंचायत चुनाव के 4 महीने बाद भी उज्जैन जनपद के निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रतिनिधि जनपद पंचायत का कामकाज नहीं संभाल सके हैं। कारण है कि जनपद का पहला सम्मेलन ही आयोजित नहीं हुआ। ऐसे में करीब 76 पंचायत के 150 गांवों में पंचायत के माध्यम से होने वाले कामों का इंतजार है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि 12 दिसंबर तक सम्मेलन नहीं बुलाया तो न्यायालय में जाने के साथ ही जनपद भवन के बाहर भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उज्जैन जनपद पंचायत की अध्यक्ष विद्या पवार व उपाध्यक्ष नासिर पटेल ने बताया कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा 2 नवंबर को भाजपा समर्थित सदस्यों द्वारा दायर याचिका को खारिज किया गया था। इसके बाद नियम के तहत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन 14 नवंबर को किया था। निर्वाचन की प्रक्रिया के बाद नोटिफिकेशन के जारी होने के 30 दिन के अंदर प्रथम सम्मेलन के लिए जनपद सीईओ द्वारा 14 नवंबर को एजेंडा जारी हुआ था, जिसमें प्रथम सम्मेलन 17 नवंबर को दोपहर 1 बजे आयोजित होना था। इधर 16 नवंबर को कलेक्टर आशीष सिंह ने आगामी पेशी तक सम्मेलन को स्थगित किया था। इसी दिन सीईओ ने सम्मेलन स्थगित करने की सूचना जारी की थी। हालांकि 5 दिसंबर को कलेक्टर द्वारा स्टे विकेट करने के आदेश के साथ अध्यक्ष पवार ने सीईओ हेमलता शर्मा मंडलोई से मिलकर 8 दिसंबर को सम्मेलन आयोजित करने का निवेदन किया था, लेकिन सीईओ ने ध्यान नहीं दिया। आरोप है कि जानबूझकर सीईओ प्रथम सम्मेलन आयोजित करने में आनाकानी कर रही हैं। मामले में जब सीईओ हेमलता शर्मा मंडलोई से चर्चा करना चाही तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। कांग्रेस नेता राजेंद्र वशिष्ठ ने कहा कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अनुसार सीईओ का कर्तव्य है कि निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का प्रथम सम्मेलन अधिसूचना के 30 दिन के अंदर करें, किंतु जनपद अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा सीईओ से निरंतर अनुरोध के बावजूद भी स्थगित सम्मेलन की सूचना जारी नहीं करना अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही के साथ नियम अधिनियमों के प्रावधान अंतर्गत कार्य न करना दर्शाता है। उनका यह कृत्य निर्वाचित बोर्ड को कार्य नहीं करने देगा, साथ ही भाजपा के एजेंट के तौर पर कार्य करना दिखाई देता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का जो निर्वाचन हुआ था और निर्वाचित घोषित किए गए, उसके पश्चात एक रिट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में लगी और माननीय उच्च न्यायालय से वो पिटीशन जब खारिज हुई, उसके पश्चात नियम 22 के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन जारी होना था वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया। हमारी जनपद में 75 ग्राम पंचायत लगती है, जिसमें करीबन 150 गांव लगते हैं। सभी गाँव वासियों का सरपंच जो है अपना आज चुने हुए 4 महीने हो गए हैं और प्रशासन बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है। अभी सुबह 11 बजे से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जनपद सीईओ उपस्थित नहीं है, सारे लोग जनपद सदस्य यहाँ पर हैं, अध्यक्ष यहाँ है, उपाध्यक्ष यहाँ है। अब अगर इन लोगों ने यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह नहीं करवाया, प्रथम सम्मेलन नहीं करवाया, तो हम लोग अब भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जो भी नियम में आता है वो सारा हम करेंगे। नमस्कार, रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें भीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।